Will the mu'min in Jannah meet Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions? Allah kare aisa hi ho, magar Jannah ke darjaat bataye na Nabi sallallahu alaihi wasallam ne, wo aise hain ki niche wale darje ka banda upar wale darje ke logon ko aise dekhega jaise hum abhi sitare dekhte hain. To ye koi recorded precedence to hai nahi koi aisi, kyunki hame pata hai Nabi sallallahu alaihi wasallam maqam mahmood mein sallallahu alaihi wasallam to firdaus ke bhi upar. तो अल्लाह कहे कि ऐसा हो, बट जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑनर दिया है ना उन लोगों को, ऑनर के कोई ये काम, मुझे एक बेटे को या दो बेटियों को मेरी नहज पे पालन करेगा तो मेरे साथ ऐसे होगा, या जिसने यतीम की कफालत की, तो वो एक ख़ास ऑनर है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होने का. तो विच मीन्स इन अ वे कि ये ऑनर हर एक के लिए नहीं है, कुछ करोगे तो यू अर्न इट, यू कैन जस्ट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एन ऑनर. तो लगता ऐसे ही है, स्कॉलर भी यही कहते हैं कि लगता ऐसे ही है कि हर बंदे को वहाँ पे ना ये शायद ऑनर ना मिले, ये खसूसी लोगों को ही मिलेगा कि जो ऐसे अमल करते रहे हैं. फिर मगर जन्नत से पहले एक टोकन है माशाल्लाह मुसलमानों के पास, वो हौज़े कौसर पे ना जब भी डाल लीजिएगा मैं भी इंशाल्लाह. ये भी तो है कि जन्नत में कोई भी हर ख्वाहिश पूरी होगी कि जो ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह ताला मिलवा देगा, तो मान कर सकते हैं. श्योर, वो एक लंबा लेक्चर है कि उसका क्या मतलब है. ठीक है, गुमान सारे अल्लाह के वास्ते हैं. नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे गुमान नहीं रखने आपने, जो हदीस है बस वही है इल्म. नबी अलैहिस्सलाम ने जो रिकॉर्डेड हदीस बताई है या सहाबा का तो तर्ज है, वो है नबी अलैहिस्सलाम के बारे में गुमान. अल्लाह के बारे में आपने जो गुमान रखना है वो आपके ऊपर खुली छूट है.